एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80 एंड 135 डिग्री एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसके दो एंगल्स हैं 80 एंड 135 डिग्रीज द अदर टू एंगल्स आर इक्वल एक क्वाड्रिलेटरल मींस क्या फोर साइडेड फिगर मींस फोर एंगल्स जिसमें से आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल बाकी जो दो एंगल्स हैं वो इक्वल है फाइंड द अदर टू एंगल्स आपको जो दो एंगल्स बाकी बचे हैं उनको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल्स होते हैं राइट फोर में से दो आपको दिए हुए हैं और बाकी दो एंगल्स के बारे में आपको हिंट दिया है कि दे आर इक्वल लेट द अदर टू एंगल्स बी ऑफ मेजर एक्स डिग्रीज राइट बाकी जो दो एंगल्स जो इक्वल दिए हुए हैं सपोज वो एक्स डिग्रीज के हैं और आपको मालूम है जिस तरीके से ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है राइट तो हम यहाँ पे अब चारों एंगल्स को ऐड कर देते हैं पहला एंगल दिया है आपको 80 डिग्रीज फिर आपको दिया है 135 डिग्रीज और बाकी जो दो एंगल्स हैं वो सेम ये दोनों एंगल्स सेम इनका सम कितना होगा 360 डिग्री यहाँ लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी है ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्योंकि इसमें चार एंगल्स हैं तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लिख के नहीं छोड़ सकते एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल राइट तो इससे पता लग जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल है और उसके क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री की एड कर दीजिए इनको 5 एंड 215 राइट 215 प्लस एक्स प्लस एक्स 2x दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज अब यहाँ पे वेरिएबल है x x वेरिएबल के साथ जो भी टर्म है उसको हम लेफ्ट साइड पर ही रख लेते हैं 2x क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये जो 215 है इसकी हमने साइड चेंज करनी है राइट तो क्योंकि 215 की साइड चेंज करनी है तो पहले ही से ही जो राइट साइड पे है ऑलरेडी तो उसको हम लिख लेते हैं तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्रीज और अब 215 को आप शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड पे तो ये प्लस है यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव कर दीजिए 215 डिग्रीज अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 5, 4 and 1, 145 डिग्रीज और इससे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 145 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2 ये 2 आप नीचे ले आएंगे मल्टीप्लीकेशन में है 2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 4 and 2 5 ज़ा 6 यहाँ पे x की वैल्यू आपकी कितनी निकली है x इज इक्वल टू 72.5 डिग्रीज देयरफॉर 2 equal angles are of measure दोनों इक्वल थे तो दोनों कितने डिग्रीज के हो गए क्योंकि दोनों इक्वल थे तो दोनों ही अब 72.5 डिग्रीज के हो जाएंगे